देवनाथ ये पानी का क्या व्यवस्था रखा है तुम? अब पीने का नहीं, हाथ धोने का? हाथ धोने का जो पीने का आता है उसका साथ पानी भी देते हैं। हमेशा तो पानी नहीं है, लोग हाथ कैसे धोएगा? हाँ पानी नहीं है, पानी हमेशा नहीं मिलता है पानी। हाँ ये थोड़ा सा व्यवस्था भी नहीं करने से ये कैसा होगा? हाँ खाली काम लेने से नहीं होगा ना, ये सुविधा ठीक करना होगा, नहीं तो मैं व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन ठीक है ना, जबरदस्त ना काम करेगा और उस श्रमिक को वंचित करेगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये मेरा अपना बगान है। आप कहाँ थे पहला? सामोगुड़ी। सामोगुड़ी देखिए, सामोगुड़ी में क्या हुआ वो अलग बात है। ये मनखुशी है और ये मनखुशी में मनखुशी की तरह रहना है, ठीक है ना? हाँ मनखुशी में मनखुशी की तरह रहना है, यहाँ का वर्कर का साथ मिलजुल कर रहना है, वर्कर को प्यार से काम लेना है, ना कि दम देकर के काम लेना है। मैं ऐसा कुछ भी सहन नहीं करूंगा जो मैनेजर शर्मी को तकलीफ दे करके काम करे, ऐसा मैं कुछ भी सहन नहीं करूंगा, मैं बोल दिया। और अभी जो सरकार ने जो व्यवस्था कर करके बागान खुलने के लिए दिया है वो 100% मेरे को चाहिए, 100% मेरे को चाहिए। आप लान को सैनिटेशन कराते रहना है, इन लोगों को हाथ धुलाई व्यवस्था करते रहना है, सारा कुछ करना है। इसमें अगर कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना? और वर्कर को इस संकट का समय आप प्यार से काम करवाना है, ताकि आप कोई क्या आप कोई सिस्टम करके रखा है मोबाइल से हजरा आप उठाते हैं, किसी को हजरा मिलता है, किसी को इतना अपना खून को पानी करके काम कर रहे हैं, उनको दिन भर काम करने के बाद उनको आप हाफ हजरा मिलता है, ऐसा सुना, ये क्या बात है? किसी का भी अगर कभी मिस होता है तो हम करा दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना है। दिन भर कोई काम करेगा और उनको हाफ हजरा मिलेगा, ये कहाँ का नियम ला कर खड़ा किए हैं आप? ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं कल लेबर इंस्पेक्टर को भेजा हूँ, यहाँ पे आएगा वो, अगर कोई भी अगर आपका ऐसा कोई गलत सीधा देखता है तो देखिए आपके लिए बुरा होगा। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आप अच्छा से वर्कर के साथ सामने आइए, मैं आपको 100% साथ दूंगा, सरकार आपको 100% साथ देगा, लेकिन ऐसा कभी भी मैं सहन नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कभी भी मैं सहन नहीं करूंगा जो कि आप दादागिरी करके इन लोगों से काम लोगे, आप ऐसा एकदम नहीं होगा। मैं आपको इतना सारा आदमी का बीच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी मैनेजर के साथ ऐसा मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपसे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ तो इसका कोई वजह होगा, ठीक है ना? आज करीबन मैं मिनिस्टर होने के बाद बहुत सारे बागान में मैं घूर चुका, एक भी मैनेजर के साथ मैं ऐसा बात नहीं किया हूँ, लेकिन आपसे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, कोई वजह जरूर होगा। तो आज से सुधार लीजिए अपने आप को, ये वर्कर को अपना बच्चा का तरह देखिए, अपना भाई की तरह देखिए, अपना माँ बाप की तरह देखिए और साथ में रह करके काम कीजिए, ठीक है ना? हाँ हाँ होगा तो कोई मालिक भी होगा तो मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन ऐसा दबाव डाल करके वर्कर को उनको वंचित कर करके वर्कर को ऐसा काम नहीं होने दूंगा मैं, एकदम ये समझ लीजिए बात, ठीक है ना? ये एश्योरेंस एकदम रहेगा और मेरा तरफ से 100 आपको सहायता मिलेगा, जो सरकारी सुविधा होगा कुछ भी होगा मैं आपको करूंगा, लेकिन उसके लिए ये मजदूर को बोलना होगा कि ये मैनेजर भगवान की तरह है, हमारा हमेशा दुख सुख में हमेशा हमें साथ देता है, प्यार से काम लेता है, ऐसा यहाँ में एक मतलब माहौल आप पैदा करना होगा, ठीक है ना? ठीक है,